ये देखिए फ्रेंड्स, आज हमने रोस्टेड चने के पेड़े बनाए हैं। रोस्टेड चने लिए थे हमने, उसे पाउडर बनाकर उसके पेड़े बनाए हैं। ये देखिए कितने अच्छे हमारे पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। ये पेड़े बनाने में जितने आसान है, खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं। और इस पेड़े में को हम बहुत कम बजट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस पेड़े के लिए हमें ना कोई मिल्क पाउडर, ना कोई कंडेंस्ड मिल्क, ना ही मावा, किसी भी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, तो भी हमारे पेड़े बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। और ये देखिए इस पेड़े का टेक्सचर और चने के बेनिफिट, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि रोस्टेड चने के बहुत बेनिफिट होते हैं। चना बहुत हेल्दी भी होता है। ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा, पेड़े का हमारा टेक्सचर आया है। आप पेड़े को देखकर ये बता नहीं सकते हैं कि हमने चने से बनाए हैं। तो चलिए हम चने के पेड़े को बनाना शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ शालिनी, कुक विद शालिनी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रोस्टेड चने के पेड़े बनाने वाले हैं। तो रोस्टेड चने के पेड़े बनाने के लिए हमने 250 ग्राम रोस्टेड चना लिया था। इसको अच्छे से छिलकर हमने इस तरह से साफ कर लिया है और सारे चने का हमने फाइन पाउडर बना लिया है। 250 ग्राम चने से हमें 1.5 कप फाइन पाउडर मिला है। तो हम चने को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 1.5 कप फाइन पाउडर के लिए हमने 1/2 कप से थोड़ा कम, 1/4 कप से थोड़ा ज़्यादा और 1/2 कप से थोड़ा कम घी लिया है। घी बिल्कुल मेल्टेड भी नहीं है और पूरा जमा हुआ भी नहीं है। तो हम घी को हमारे मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं। साथ ही में हमने 1/4 कप शुगर पाउडर लिया है। शुगर को हमने मिक्सर में ग्राइंड करके ले लिया है। शुगर पाउडर भी हम घी के साथ ही मिक्स कर लेते हैं। इन दोनों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि हमारा ये बैटर अच्छा सा फ्लफी और एकदम लाइट नहीं हो जाए। हम इसे कंटिन्यूसली चलाते हुए एकदम फ्लफी होने तक मिक्स कर लेते हैं। इस मिक्सर को हमें चलाते हुए 2 से 3 मिनट ही हुए हैं। बहुत जल्दी हमारा मिक्सर एकदम लाइट कलर का हो गया है और एकदम फ्लफी हो गया है। तो इस स्टेज पे हमने जो चने का पाउडर लिया है इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर हमें घी की आवश्यकता और लगेगी तो हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। 1.5 कप पाउडर को हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब हम हमारे हैंड की हेल्प से इसका एक अच्छा सा मिक्स, सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इस तरह से हम इसे हमारी हैंड की हेल्प से मिक्स करते जाएंगे ताकि पूरा घी और शुगर हमारे पाउडर में अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हमने इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ रही है। ये देखिए, हम इस स्टेज पे इसमें थोड़े से हमने बादाम को बारीक बारीक चॉप करके ले लिया है, इसमें मिक्स कर देंगे और थोड़े बादाम हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। 2 टेबल स्पून मलाई और 2 टेबल स्पून दूध मिक्स करके लिया है, उसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। सच मानिए फ्रेंड्स, ये पेड़ा बहुत ही कम बजट में और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है। टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी बहुत होता है, जैसा कि चने के बेनिफिट तो आप सभी को पता ही होगा। इसे भी हम मिक्स करते हैं। साथ में फ्लेवर के लिए हम इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर मिक्स कर देंगे। इलायची पाउडर मिक्स करना ऑप्शनल है, जो फ्लेवर आप लाइक करते हैं उसे मिक्स कीजिए, या फिर आप नारियल का बुरादा भी मिक्स कर सकते हैं इसमें। ये 1/4 टीस्पून मैंने इलायची पाउडर मिक्स किया। इन सब को हम मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा हमारा और कितना स्मूथ डो बनकर तैयार हुआ है। इस डो को बनाने में हमें 1/4 कप घी यूज करने के बाद 1 टेबल स्पून घी की और जरूरत पड़ी थी। अब हमारा डो बनकर तैयार है, तो हम इसमें से नींबू के साइज का एक बॉल ले लेंगे और हमारे दोनों हाथों की हेल्प से इसे बॉल का शेप देंगे। इसे राउंड राउंड करते हुए पेड़ा आपको जिस भी शेप में चाहिए आप उस शेप में बनाकर प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन आपको बिलीव नहीं होगा कि हमने चने का पेड़ा बनाया है और वो भी घर में। बहुत ही टेस्टी और बहुत यूनिक पेड़ा बनकर तैयार होगा, वो भी बिना मावा, बिना कंडेंस्ड मिल्क,
किसी भी इंग्रेडिएंट्स की हमें ऐसी ज़रूरत नहीं होगी जो हमारे घर में अवेलेबल नहीं हो। इजीली सारा सामान हमारे घर में अवेलेबल होता है और बहुत फटाफट बनने वाला पेड़ा है। सबसे खास बात है कि फायरलेस कुकिंग है। ये देखिए कितना अच्छा हमारा पेड़ा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेते हैं। अगर आपसे इस पेड़े में अगर थोड़े से क्रैक्स आते हैं तो आप अपने प्लेटफॉर्म पर इस तरह से इसे कर सकते हैं ताकि इसमें से सारे क्रैक्स खत्म हो जाए और पेड़ा एकदम चिकना और स्मूथ बनकर तैयार हो। ये देखिए सारे पेड़े बनाकर हम तैयार कर लेते हैं। ये देखिए हमारे सारे चने के पेड़े बनकर तैयार है। कितने स्मूथ और कितने चिकने हमारे पेड़े बने हैं, एकदम विदाउट क्रैक हमारे पेड़े बनकर तैयार है। मैंने बिल्कुल सिंपल पेड़े बनाकर रखे हैं। अगर आप इसमें कोई किसी तरह की डिजाइन देना चाहते हैं तो ये हमारे जो पूड़ी तलने वाला होता है इसके बैक साइड से भी आप पेड़े पर डिजाइन दे सकते हैं। इस तरह से पेड़े को लेके इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो इस पे देखिए कितना सुंदर डिजाइन बनकर तैयार हो रहा है। इसी तरह से आप सारे पेड़े को डिजाइन बना सकते हैं। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए बना रही हूँ, मैं प्लेन पेड़े रख रही हूँ। ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन बनकर तैयार हो रहा है। या फिर बहुत सारे ऐसे टूल्स हमारे घर में अवेलेबल होते हैं जिससे हम कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं कुछ पेड़े पर इस तरह से बादाम से गार्निशिंग कर दूंगी। जो बादाम हमने बचाए थे उसी से मैं इसे गार्निशिंग कर रही हूँ। मैंने जब चने का फाइन पाउडर बनाया था उस समय मैंने चने के पाउडर को वापस से रोस्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए था। अगर आपको पेड़े ज़्यादा डार्क कलर के चाहिए तो आप उस चने के पाउडर को हाफ टी स्पून घी में रोस्ट कर लीजिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, तो उससे आपको जैसा कलर चाहिए पेड़े का उस तरह से कर सकते। लेकिन बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं कीजिए, अगर जल जाएगा हमारा चने का आटा तो अच्छा टेस्ट नहीं देगा। ये देखिए मैंने सारे पेड़े को बादाम के कतरन से गार्निश कर दिया है। कितने सुंदर हमारे पेड़े बनकर तैयार हुए हैं। बहुत कम मेहनत और बहुत कम बजट में बनने वाले पेड़े हैं। इसमें हमने मलाई ऐड की थी। मलाई ऐड करना भी पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन मलाई ऐड कर देंगे तो इससे हमारे पेड़े को थोड़ा फैट कंटेंट मिल जाएगा और टेस्ट बढ़ जाएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे पेड़े बने हैं, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। इसमें चने को हमने थोड़ा हल्का सा दरदरा करके भी मिक्स किया था जिससे कि इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है। ये देखिए मैं आपको एक पेड़े को हाथ में लेकर बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूले जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।